कन्नौज में इस समय 4 लेन रोड NH 59 का कार्य प्रगति पर है। नर्मदा के आसपास के 2 किलोमीटर तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में खतरे के निशान के बाद नर्मदा तट छोड़कर आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। इससे जो प्राकृतिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में 2 किलोमीटर तक का बहाव क्षेत्र है वह वर्तमान में 59A 4 लेन के अंतर्गत आता है। बाढ़ के बाद बहाव अवरुद्ध हो जाने से 15 से 20 गांव की पूरी आबादी और कृषि भूमि प्रभावित होती है। हर 2 साल में बाढ़ आती है। नर्मदा पर 3 डैम बने हुए हैं जिसके गेट खुलने के बाद क्षेत्र जलमग्न हो जाने से प्रभावित होता है। वर्तमान स्थिति में 4 लेन बन जाने के बाद पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और उसके बाद बैक क्वार्टर से 20 गांव के जनधन और कृषि भूमि की हानि हो जाएगी और भयावह की स्थिति बन जाएगी। अब इस क्षेत्र का अस्तित्व का खतरा है। अधिकारियों से पूछने पर स्पष्ट कोई भी स्थिति के बारे में नहीं बताया है। 4 लाइन 59A बनने के बाद पानी के बहाव का अवरुद्ध न करें, इसलिए 1 किलोमीटर का ओवर ब्रिज का निर्माण हो जिसके बाद बाढ़ का पानी उसके नीचे से निकल जाए। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, विधायक से लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तक तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन देकर निवेदन किया है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी, कार्यालय खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश। विषय आत्माराम बाबा मेला रोड से गुराड़ा रोड 59A निर्माणाधीन 4 लाइन में ओवरब्रिज बनाने के संबंध में ज्ञापन। मैं डॉक्टर लखन चंदेल, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत खातेगांव। आज हम सभी क्षेत्र के 25-30 गांव के लोग नेमावर मेला जो रोड है उस पर एकत्रित हुए थे और हमने आदरणीय तहसीलदार साहब और NHA के अधिकारी, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमारी ये मांग थी कि हमको जो ये नेशनल हाईवे रोड जो है उस पर ये मिट्टी से ही सीधा सड़क बना रहे हैं। हमने कहा भाई हमारे जो 25-30 गांव के लोग डूब जाएंगे यहाँ पे और आप ओवरब्रिज जो है बना दीजिए। तो उस ओवरब्रिज में क्या होगा कि वो नेमावर मेला, आत्माराम बाबा मेला रोड से गुराड़ा फाटा तक अगर ये ओवरब्रिज बन जाता है तो हमारे जल का निकासी अच्छी से हो जाएगी, तो ये बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। नहीं तो हमारे उस नेशनल हाईवे रोड से लगा हुआ एक नदी है जामने नदी, वो 1 किलोमीटर ही पड़ती है, उसकी थोप बहुत तगड़ी लगती है। ऐसी स्थिति में 25-30 गांव के लोग जलमग्न हो जाते हैं, वैसे भी साधारण तरीके में भी हो जाते हैं, पर ऐसी ठोकर लगने से तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए हमने ऐसा करके सब 25-30 गांव के लोगों ने आज तहसीलदार साहब को ये आवेदन ज्ञापन दिया है और हमारी ये मांग है, मतलब इसलिए हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।